जा रहे हैं भाई वाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्फिकार और आज हम जा रहे हैं वाई। कराची से वाई तक का सफ़र कुल 175 किलोमीटर है, जिसमें से 164 किलोमीटर पक्का रास्ता और फिर 11 किलोमीटर कच्चा रास्ता है, जो कि आपको वाई की वादी तक ले जाता है। इस जगह को मैंने मैप में मेंशन कर दिया, यहां से आप वाई के लिए कच्चे का रास्ता लेंगे और सीधा वाई की वादी पर पहुँच जाएंगे, जो कि 11 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक कच्चा और खूबसूरत रास्ता है। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज करते हैं। टैंक फुल कर रहे हैं अभी, टोटल का पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ। अभी इंशाल्लाह हमारे एक दोस्त हैं अयूब भाई, उसका इंतज़ार हो रहा है। चंद मिनटों के इंतज़ार के बाद बिलाखिर अयूब साहब आ ही गए। कराची से लगभग सुबह 8:30 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। मैं हूँ जुल्फिकार भाई, ये भी है जुल्फिकार, ठीक है। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये भाई जा रहे हैं अकेले, ये केव सिटी जा रहे हैं, हम वाई जा रहे हैं, केव सिटी जा रहे हैं। मुत्तल में मिले यहाँ पे चाय साहब के भी, तो गपशप लगाई। नहीं नहीं भाई, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार भाई। तो अभी साथ चलेंगे थोड़ा आगे तक, फिर ये आगे केव सिटी की तरफ चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा वाई की तरफ। मेरे साथ अयूब भाई है, वो भी मेरे एक दोस्त हैं, इसी तरह फेसबुक से मिले हैं मुझे। तो चलिए बाकी बातें और बाकी नज़ारे फिर आगे जाके देखते हैं इंशाल्लाह। भाई अब निकलते हैं, तो ये जुल्फिकार भाई भी जा रहे हैं, ठीक है। पटनी भाई चलें, भाई ये निशानी आपको दूर से दिख जाएगी, ठीक है। बस इसके ही करीब फिर आ जाएं, ये आपको अगर दूर से नज़र आ गए समझो आप वाई पहुंच गए। तो हम बस हम करीब हैं, ये वादी है बिल्कुल सामने, हमें नीचे की तरफ थोड़ा उतरना पड़ेगा, या देखते हैं बाइकें ऊपर खड़ी कर देंगे, हम नीचे उतर जाएंगे, जैसा मुनासिब लगेगा वैसा कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बिलाखिर भाई हम पहुंच गए भाई, नज़ारे आपके सामने माशाल्लाह। ये एक वादी है एक नदी के अंदर, सामने खजूर के दरख्त हैं। ये हमसे पहले एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, लगता है ये भी यहीं पे पिकनिक करने आए होंगे। तो अब नीचे उतरेंगे, अब नीचे जाने का रास्ता वहाँ पर है, हम थोड़ा ऊपर से, मैंने कहा थोड़ी तस्वीरें ले लूँ। ये छोटे छोटे चश्मे एक नदी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं।
ऐसे कई चश्मे इस जगह से फूट रहे हैं जो कि फिर इस तरह एक नखलिस्तान बना लेते हैं खूबसूरत सा। भाई पैर गीले होने से बचाना है, ठीक है। वैसे ही जूते दोपहर को गीले हो गए थे, अभी फिर हल्के पुल्के गीले हैं। चाह रहे हैं कि ये गीले ना हो, अभी सर्दियाँ हैं यार, रात को बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा बाइक चलाते हुए। भाई ये चूल्हा बना रहे हैं अभी फिलहाल, थोड़ा चाय का एहतमाम करेंगे। छोटा सा बर्तन है, मैं अक्सर अपने साथ रखता हूँ, एक बंदे के लिए दो बंदे के लिए कुछ बनाना पड़ जाए तो काम आ जाता है। लकड़ियां काफी है सूखी यहाँ पे, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। बस सलमानी चाय बना रहे, चाय रख दी हमने, चाय तैयार होगी तो चाय के साथ बिस्किट खाएंगे। यहाँ पे का संडे का ट्रिप हमारा था वाई का, वाई आपने देख लिया, बड़ी खूबसूरत जगह है। रफीकार भाई चाय रेडी हो गई? चाय तैयार है, चाय तैयार है, चाय तैयार है, आग बुझा लेना। भाई चाय और ईरानी बिस्किट, नाश्ता हमने देर से किया था इस वजह से अभी लाला के लंच का टाइम है, एकदम चाय बिस्किट खा रहे हैं। जाएंगे शहर की तरफ, वहाँ पर कुछ खा लेंगे इंशाल्लाह। कभी भी आप सफ़र करें अपने साथ बिस्किट वगैरह ज़रूर रखें। वाई से जब हम घर के लिए निकले तो रास्ते में हमें कुछ मकामी लोग निशानेबाजी करते हुए नजर आए। हम भी थोड़ी देर रुक गए, हमने भी देखा वो निशाना लगा रहे थे, तो इलाके के सरदार भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि आइए भी आप भी निशाना लगाएं। तो चलो भी हमने भी दो तीन गोलियों पे हाथ साफ कर ही लिए।
ये बोर्ड याद रखें, ठीक है, उस जगह को बीआरओ कहते हैं शायद, हाँ वो पीछे कब्रिस्तान भी है, ये बोर्ड है यहाँ पे, साइन बोर्ड है जमाल जामोट गोट। ये रास्ता सीधा पकड़ेंगे, आगे ही रास्ता कच्चा हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल बेस्ट रास्ता है वाई जाने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।